टेलीकॉम सेक्टर के क्वार्टर फोर के रिजल्ट से एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल के आ रही है। लेटेस्ट न्यूज़ में इसकी हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर से जो न्यूज़ निकल के आ रही है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की यहाँ पर बात की जा रही है एंड वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रो होने को दिख रहा है। यदि हम न्यूज़ के ऊपर चलें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस विल बी दी फर्स्ट फुल क्वार्टर फॉर टेलीकॉम आफ्टर दे इंक्रीज टेरिफ विच ट्रिगर्ड आचरम अमंग सम यूज़र सेगमेंट्स। तो इनके यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे हाइक किए गए थे टैरिफ के प्राइस, उसका क्या इफेक्ट यहाँ पे रहने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं। यहाँ पे जो फुल रिपोर्ट लगाई गई है उसमें यहाँ पे बताया गया है, इंडिया टेलीकॉम कंपनीज आर लाइकली टू रिपोर्ट अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इन थ्री मंथ्स एंडेड मार्च द फर्स्ट फुल क्वार्टर आफ्टर टैरिफ वर इंक्रीज इन नवंबर दिसंबर। जो टैरिफ यहाँ पे इंक्रीज किए गए थे वो नवंबर दिसंबर में किए गए थे एंड जो यहाँ पे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए थे उनमें आपको पता होगा कि यहाँ पे नवंबर दिसंबर ये मंथ यहाँ पे चले गए थे। उसके साथ जो अभी क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो रिजल्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं किन किन मंथ के, वो यहाँ पे जनवरी के, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च, ये सभी के यहाँ पे रिजल्ट्स आने वाले हैं चार मंथ के। तो जो यहाँ पे टैरिफ हाइक हुए थे वो यहाँ पे नवंबर दिसंबर के अराउंड हुए थे, नवंबर के लास्ट में हम बोल सकते हैं यहाँ पे हो गए थे। तो इनका इफेक्ट यहाँ पे लास्ट ये चार जो मंथ हैं जिनके अभी रिजल्ट्स आने वाले हैं इन पे जरूर यहाँ पे पड़ने वाला है। जो यहाँ पे फुल रिपोर्ट होने वाली है, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड जियो प्लेटफॉर्म आर सब्सिडीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री की एक सब्सिडीज है जियो। तो इस पे यहाँ पे जो एक्सपर्ट ने यहाँ पे रिपोर्ट लगाई है यहाँ पे ग्रो होने की बात की गई है, 7 से 9% की ग्रोथ यहाँ पे बोली गई है इन देयर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र ARPU जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाई हुए थे प्लान उसका यहाँ पे इफेक्ट इनके रिजल्ट्स में ज़रूर पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। हमारी जेम पे नेगेटिव इफेक्ट है बट यहाँ पे जो इन कंपनियों के ऊपर इफेक्ट है वो पॉजिटिव पड़ने वाला है सिक्वेंशियल बेसिस अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट पोल्ड बाय मनी कंट्रोल, जैसा कि इन्होंने किया है। जो भारतीय एयरटेल रिपोर्टेड यहाँ पे कर रहा है ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र 163 रुपीज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र का इन्होंने लाभ उठाया है पर मंथ इन दी क्वार्टर एंडेड दिसंबर, दिसंबर एंडेड में इन्होंने यहाँ पे बोला है। उसके साथ वाइल जियो ने यहाँ पे 151 रुपीज़ एंड 60 पैसे एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र इन्होंने यहाँ पे बोला है। उसी के साथ वोडाफोन 115 मतलब 115 रुपये एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वोडाफोन को मिला है, क्योंकि क्या है कि वोडाफोन को यहाँ पे यूज़ करने वाले ज़्यादातर 2G एंड 3G वाले भी हैं, तो यहाँ पे इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यहाँ पे वोडाफोन का थोड़ी कम ही रहने वाला है। उसी के साथ यदि फुल लेटेस्ट न्यूज़ में यदि बात करें तो टैरिफ हाइक की जो है यहाँ पे रिपोर्ट आई थी वहाँ पे JP Morgan इंडिया एक्सपर्ट जो हैं इन्होंने यहाँ पे 3 टेलीकॉम कंपनीज की जो रिपोर्ट यहाँ पे लगाई है 5 से 7% सिक्वेंशियल ग्रोथ इन रेवेन्यू की इन्होंने यहाँ पे बात की है। उसके साथ यदि वी एक्सपेक्ट क्वार्टर फोर 2022 टू बी अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर फॉर टेलीकॉम कंपनीज विथ लाइकली रेवेन्यू एंड EBITDA ग्रोथ ऑफ 6 से 11% की ग्रोथ यहाँ पे बता रहे हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ अराउंड 20% टैरिफ हाइक अंडरटेकिंग बाई द इंडस्ट्री ऑफ नवंबर 2021 नवंबर में भी कर दिया था इन्होंने यहाँ पे हाइक, तो उसकी यहाँ पे जरूर यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ बन के सामने निकल के आ रही है। उसके साथ आपका क्या कहना है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।